आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार यादव, शिक्षक शासकीय नवीनपुर माध्यमिक शाला भोतेली से। आज के राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों एवं सम्मानित शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे पाठ के बारे में जो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जगाएगी, जो हमको अपने देश के लिए न्यौछावर होने, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित करेगी। एक ऐसी कविता जो हमको हमेशा अपने कार्यों में उत्साह के साथ, उमंग के साथ करने के लिए आगे बढ़ाएगी। यह जो कविता है मशहूर फिल्म अभिनेता डॉक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में नन्हे बालकों के जरिए हम सबको एक जो है प्रेरणा, जो प्रसन्न और प्रेरणा संदेश देने का प्रयास किया गया है। आइए हम एक नज़र डालते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी पर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो है 18 जनवरी 2003 को हम सबको छोड़कर चले गए। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल, खादी के फूल। इस पाठ का हम शुरुआत करने से पहले हम जो इस पाठ का कविता की जो पंक्तियां हैं उनका आदर्श वाचन जो है सुनेंगे, जिसको हमारे जो है एक शिक्षक साथी जो भास्कर देवांगन जी है उसके द्वारा जो है गाया गया है। तो आइए हम सुनते हैं इस गीत को। ले रहे Thank you.
आइए हम अपने इस पाठ का जो है शुरुआत करते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को लिखते वक्त हमको ये एहसास दिलाने का प्रयास किया है कि हम सब भारत माता के बेटे हैं, हम सब भारत माता के संतान हैं। तो इस जो कविता है इसका भावार्थ जानने से पहले हम सबसे पहले जो पद्यांश जो रचना होती है उसके तीन चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर हमको उसके भावार्थ में पहुंचना चाहिए। तो जो संदर्भ है उसमें तीन चीज़ शामिल होता है, पाठ का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम और उसके लिखने वाले का नाम। जैसे हमारा जो ये पाठ है, पाठ का नाम अभियान गीत है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है और इसके रचयिता श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अभियान गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय जी बच्चन हैं। अब ये जो है इसका संदर्भ हुआ। संदर्भ के बाद हम आएंगे इसके प्रसंग में। प्रसंग का तात्पर्य है कि ये जो कविता है, कविता की जो पंक्ति है किन भावों को बताना चाहती है, किन भावों को प्रकट करना चाहती है। तो प्रस्तुत जो पंक्ति है जो हम सबको यह एहसास दिलाने का कार्य करती है कि हम सब भारत देश के निवासी हैं, हम सब जो है भारत के रहने वाले हैं और हम सब भारत माता के संतान हैं। अब जो है हम जो है इसके भावार्थ में जाएंगे। तो भावार्थ में जाने से पहले हम इसमें जो मेन जो कुछ कुछ शब्द है जिसका अर्थ देख लेते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत को हम पहाड़, गिरी है ना कहते हैं, सागर है उसको हम समुद्र जलधि कहते हैं, वन है जिसको हम जंगल अरण्य कहते हैं, और मरुस्थल है जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। तो ये कविता की जो पहली पंक्ति की पहला लाइन, पहले लाइन में कह रहा है भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, अर्थात हम सब जो है भारत माता के संतान हैं और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए, हम सबको इस बात पर अभिमान होना चाहिए और हमको सीना तान के चलना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है हमारा जो जन्म जो है जिस मातृभूमि पर हुआ है, जिस धरती पर हुआ है, उस धरती पर हमको अभिमान तो होना ही चाहिए, हमको गर्व होना ही चाहिए और इस बात के लिए हम अपने आप को गर्व महसूस करें कि हम सब जो है भारत माता के संतान हैं। फिर आगे इसी कविता की आगे की जो लाइन में कहते हैं धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, यही हमारी भारत देश की खासियत है, हमारी भारत देश की विशेषता है। यहाँ पर अनेक जो है जाति, धर्म, भाषा, बोली के लोग निवास करते हैं। अगर हम धर्म में देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, नाना प्रकार के अनेक धर्म यहाँ पर निवासरत है। जाति की बात करें तो यहाँ पर जाति की भी अलग अलग जो विविधताएं हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, कोई उच्च वर्ग के लोग हैं, कोई मध्यम वर्ग, कोई निम्न वर्ग। यहाँ पर अलग अलग जो भाषाएं जो भारत में बोली जाती है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जो संविधान ने 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी, इसके अलावा 1652 से भी अधिक बोलियां हमारे भारत देश में बोली जाती है। तो ये हमारी भारत की खासियत है। आप देखिए, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहाँ पर अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, एक ऐसा भारत जहाँ पर अनेक जाति के लोग निवास करते हैं, एक ऐसा भारत जहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते हैं, एक ऐसा भारत जहाँ पर भाषाओं का होता है। तो यही तो जो है हमारी भारत की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर अनेक लोग हैं फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भावनात्मक रूप से आपस में एक साथ जो है जुड़े हुए हैं और यही जो खासियत हमारे भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग करती है और हम सबको गौरवान्वित महसूस कराती है। फिर आगे कहते
पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हमार, हम भारतवासी। अब देखना भारत के जो उत्तरी क्षेत्र चले जाइए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र चले जाइए, हिमाचल प्रदेश से लेकर जो है अब जो है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। सागर तट भारत की दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम जो छोर है, जिसमें मुख्य रूप से जो है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तीन ओर से भारत जो सागरों से घिरा हुआ है, उसके तटीय क्षेत्र है, जिसमें मुंबई है, कोलकाता है, कर्नाटक है, ये जो क्षेत्र जो है सागर तट से घिरा हुआ है। भारत में अलग अलग जो है वन जो है प्रदेश के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, भारत का जो है पश्चिमी क्षेत्र में जो है मरुस्थल है, राजस्थान के क्षेत्र में, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो ये हमारी भारत की अपनी खासियत है, अपनी विशेषता है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है, यहाँ पर सागर तटीय क्षेत्र भी है, यहाँ पर वन क्षेत्र भी है, यहाँ पर मरुस्थल भी है, यहाँ पर मैदान भी है। हमारे जो पहला जो लाइन हम जो पढ़े, उस पहले लाइन में हमको भारत की सांस्कृतिक विशेषता का पता चला, और इस दूसरे लाइन में हमको भारत की भौगोलिक विशेषता के बारे में पता चला कि भारत जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उन्नत राज्य है, उन्नत देश है। यहाँ पर पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदान सभी प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो हम सबको इस बात पर गर्व करना चाहिए, हम सबको इस बात पर अभिमान करना चाहिए कि हमारा जो भारत है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से एक उन्नत देश है। फिर आगे कहते हैं फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। आप देखते हो, आप इस चीज को महसूस करते हो, जब भी हमारे देश की जो है आन बान पर खतरा महसूस होता है, जब भी हमारे देश पर किसी प्रकार की विपदाएं आती हैं, किसी प्रकार से मुसीबतों से हम घिरे होते हैं, चाहे वह मुसीबत जो है प्राकृतिक हो, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे जो है शत्रु देशों का हो, तो उस समय सबसे पहले हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे देश की जो भारतीय सेना के जवान जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। तो फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, तो भारत की जो सेना है भारत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और भारत के लोगों को जो ये एहसास दिलाते हैं कि ये भारत देश जो है हम सबका है, और हमको इसकी आन बान शान की रक्षा करनी है, और हम सब मिलकर इस चीज़ को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक चीज़ को आप हमेशा गांठ बांधना कि भारत की रक्षा करने के लिए भारत की जो सेना के जवान तो है ही, लेकिन हम जिस भी कार्य को करते हैं, अगर हम एक आम इंसान हैं, अगर हम एक किसान हैं, अगर हम एक मजदूर हैं, अगर हम किसी नौकरी पेशा के वर्ग के लोग हैं, अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, अगर हम जिस जगह पर है वहां से कर रहे हैं, तो हम भी अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, इस चीज का आप हमेशा जो है पालन करना। फिर कहते हैं भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम सब भारत माता के बेटे हैं, हम सब भारत माता के संतान, और इस चीज पर हमको गर्व करना चाहिए, इस चीज पर हमको फख्र करना चाहिए, और सीना तान के हमको हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए प्रगति पथ पर। फिर इस कविता की जो है फर्स्ट पंक्ति के बाद फिर अगला सेकंड पंक्ति में हम आते हैं, दूसरा पंक्ति में हम आते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रजकण को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पंक्ति में ममता जो है जो शब्दार्थ है, जिसका हमको अर्थ जो समझना है, जैसे रजकण जो दिया है, रजकण का अर्थ होता है धूल के कण, कर्ज जो दिया है, कर्ज का अर्थ होता है ऋण, एहसान, एहसान का अर्थ होता है उपकार, भलाई। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए, आप सबको पता है आप इस मिट्टी से कितने जुड़े हुए, आप सब महसूस करते हो, पल पल महसूस करते हो कि हमारा जो भारत भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, हम इनसे इतना जुड़े हुए हैं कि हम इनसे अलग हो ही नहीं सकते। इस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, इस मिट्टी में हम पल पलते हैं और आगे जो है उन्नति करते हैं, है ना। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि कुछ
जो है बोर एक बनी हूँ अच्छा आप। विद्यार्थी जो है खेल खेल रहे हैं, तो ये जो खेल जो है ये तो एक प्रकार का खेल हुआ जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसी गधे प्रकार से अनेकों गधे खेल हैं, अनेकों ऐसी क्रियाएं जो हम इस मिट्टी पर करते हैं। तो इसी कारण से जो कवि है वो ये कह रहा है, ये हमको एहसास दिलाने की कोशिश कर पहले रहे हैं कि इस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, इस मिट्टी में हम पले हैं, इस मिट्टी में हम बड़े हैं, बड़े हुए हैं। जिसके रजकण को हम ममता समता से अपनाए हैं, ये मिट्टी ये धूल के कण हमारे लिए इतना कीमती है कि इसको हम अपने माँ की तरह जो है पालते हैं, इसको हम अपने माँ की तरह मानते हैं। जिस तरह से माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसी तरह से ये भारत जो भूमि है हम सब भारतवासियों का देखभाल करती है। इस मिट्टी से हम सबका इतना जुड़ाव है कि इस जुड़ाव को हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते, हम अपने शब्दों से बता नहीं सकते। तो जिसके रजकण को, रजकण मतलब धूल का कण, जिसके धूल के कण से हम इतने सने हुए हैं, हम इतना जो है उसमें घुल चुके हैं कि हम अपना अस्तित्व अलग नहीं ढूंढ सकते। ये हमारी भारत की मिट्टी की खासियत है, ये हमारे भारत की मिट्टी की विशेषता है। इसी कारण से कवि ने इसमें कहा है कि जिसके रजकण को हम ममता समता से अपनाएं। फिर आगे की लाइन में कहते हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान की। अब हमको अपनी इस मातृभूमि के, अपनी इस जन्मभूमि के कर्ज को चुकाना है। और मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि भारत जो भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, इसके कर्ज को चुकाने के लिए हमको सिर्फ भारतीय सेना में जाना है, इंडियन आर्मी बनना है, ऐसा नहीं है। हम जिस भी कार्य को करें, अगर हम एक मजदूर हैं, अगर हम एक श्रमिक हैं, मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके परिश्रम करके अगर अपनी आजीविका चला रहे हैं तो उसके जरिए भी हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम किसान हैं और अपने खेतों में हल से, नांगर से, इस धरती के जो है मिट्टी से अन्न उपजा रहे हैं, तो भी हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हम जिस भी कार्य को करें, हम उस कार्य के जरिए अपनी मातृभूमि के इस एहसान को, इस कर्ज को चुकाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण से कवि ने कहा है, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान। ये तो मुश्किल काम है, हम कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं अपने कार्यों के जरिए, अपने जो है प्रयासों के जरिए। पर हमारे जो है छोटे छोटे कार्य, हमारे छोटे छोटे प्रयास जो है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए जो है और जो है आगे ले जाएगा। फिर आगे कहते हैं, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम सब जो है भारत माता के बेटे हैं, हम सब भारत माता के संतान हैं, और हमको इस चीज़ पर, इस बात पर फख्र करना चाहिए, हमको इस बात पर गर्व करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अभी जो हम इस कविता की जो दो पंक्ति पढ़े हैं, है ना, तो इस दो पंक्ति के जरिए आपने क्या जाना, आपने क्या समझा, तो थोड़ा सा चेक हो जाए। पहला क्वेश्चन, भारत देश को और किस नाम से जाना जाता है? आप में से अगर कोई आंसर बताना चाहते हो तो आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए। हम जो है भारत देश को और किस नाम से जानते हैं? सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान धाम का पूरा भारत देश को और किस नाम से जानते हैं? नहीं पता आप लोग को? इस कविता की पंक्ति में भी आया, शुरुआत में ही आया है। जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, सोने की चिड़िया, सेकंड क्वेश्चन, सोने की चिड़िया, जो आप चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हो कि भारत को और किस नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रमुख पर्वत का नाम बताइए। भारत में बहुत सारे जो है पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है, उसमें से किसी एक पर्वत का नाम बताइए जो आपको पता है। हिमालय पर्वत, आंसर सही हो या गलत इस पर मत जाइए, आंसर गलत होगा। अब बताने की कोशिश कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, रजकण का क्या अर्थ है? हिमालय पर्वत,
में भी आया, धूल शब्दार्थ के कण, धूल में भी बताया हूँ मैंने इसको। के कण। चलिए ठीक है, आप लोग आंसर नहीं बता रहे हो। भारत देश को हम जो है हिंदुस्तान, आर्यभट्ट और इंडिया, इन तीन नामों से हम भारत देश को जानते हैं। और फिर दूसरा इंडिया। प्रश्न है, भारत के प्रमुख पर्वत का नाम बताइए। तो भारत का प्रमुख पर्वत है जो भारत के उत्तर पूर्व में जो है फैला हुआ है, वो है हिमालय पर्वत। इसके हिमालय अलावा अरावली पर्वत, विंध्याचल काफी मैं लिख पर्वत, सकती है ना, ये हो हूँ। गया हमारे भारत देश में। रजकण जो है शब्द है, इसका अर्थ होता है धूल के कण। रजकण का अर्थ होता है धूल के कण। एक बार फिर से देखिए, भारत देश को हम जो है हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट आदि नामों से जानते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत का नाम जो है हिमालय है। इसके अलावा अन्य और भी पर्वत है, जैसे मैंने बोला अरावली, विंध्याचल, है ना। ये रजकण का अर्थ है धूल के कण। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति में, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। आगे देखेंगे किसकी पूजा में हमने सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, है ना। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश उठाए हैं। हम रखवाले, पौरुष वाले, उसके गौरव मान, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान। चलते अब यहाँ पर जो इस पंक्ति में जो शब्द आया है, सदियों का अर्थ होता है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। श्रम का अर्थ होता है मेहनत, पौरुष का अर्थ होता है पराक्रम, और गौरव का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। तो इस शब्दार्थ के बाद हम जो इस जो है पंक्ति का जो भावार्थ देखते हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए। अब देखिए, आप इस चीज को आप फील कीजिए, आप इस चीज को आप इमेजिन कीजिए, जिसकी पूजा में, किसकी पूजा में, यहाँ पर जिसकी पूजा में शब्द आया है, तो जिसकी पूजा में इस शब्द के बदले हम किसको रख सकते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए, तो जिसकी पूजा में इस शब्द के स्थान पर हम भारत माँ को रख सकते हैं। अर्थात हमारे भारत के जो लोग बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, वो अपने मेहनत से, अपने मेहनत रूपी जो है श्रम से, अपने मेहनत रूपी जो है श्रम के जरिए वो लोग जो है फूल चढ़ाते हैं, परिश्रम करके। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, अर्थात भारत के लोग अपनी मेहनत के जरिए भारत की, देश की जो सेवा करते हैं, वो एक फूल की तरह है, और मेहनत रूपी फूल का अर्पण वो भारत माता के चरणों में करते हैं। इसी कारण से इस लाइन में जो है कवि ने कहा है, जिसकी पूजा में, अर्थात भारत माता की पूजा में हमारे भारत के जो लोग जो है सदियों से, हमेशा से, शुरू से, सदियों का अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह, सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। बंद करना। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, आप इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते, आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। जो स्वतंत्र भारत आज हमको मिला है, ये स्वतंत्र भारत को हमको दिलाने में हमारे पुरखों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। उसने अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की। भारत के जो नौजवान जो उस समय जो थे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम ऐसे महान विभूतियां हैं जिसने भारत देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अपने जो है निजी स्वार्थ को त्याग कर, उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर, उसने अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। ये उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत है कि आज हम जो स्वतंत्र भारत में इतने अच्छे से रह रहे हैं। तो इसी कारण से कवि ने लिखा है कि जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाया है, हम उनके बलिदान को, उनके इस त्याग को हम गिन नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, उनके इस त्याग और बलिदान को हम याद कर सकते हैं। हम उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और जो है
अर्पण कर सकते हैं अपने कार्यों के जरिए। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है हमारे कार्य, और हम अपने कार्यों के जरिए हमारे जो है भारत देश को, हम अपने महान विभूतियों को जिसने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया, उसको हम सच्ची श्रद्धा अर्पण कर सकते हैं। फिर आगे जो कवि कहते हैं कि हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अर्थात हम सब जो है वीर है, हम सब जो है पराक्रमी हैं। हम रखवाले पौरुष वाले, हम वीर पराक्रमी लोग जो है इस देश की मर्यादा की रक्षा करेंगे, भारत देश की आन बान शान की रक्षा करेंगे, और हम अपने देश की प्रतिष्ठा को, हम अपने देश की गौरव को बढ़ाएंगे। इसी कारण से कवि ने कहा है, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम सब भारत माता के बेटे हैं, हम सब भारत माता के संतान हैं, और इस चीज पर हमको गर्व करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं अगली पंक्ति। हम गिर जाए किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान। अब इस पंक्ति के जरिए जो है कवि जो है हम सबको तत्पर रहने के लिए जो प्रेरित किया है, किस चीज़ के लिए तत्पर रहने के लिए, भारत देश की मर्यादा की, भारत देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए। इस पंक्ति में जो कठिन शब्द है, जैसे बलिदान, बलिदान का अर्थ होता है त्याग, आत्मदान, निशान का अर्थ होता है चिन्ह। देखिए, हम गिर जाए किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को। देश निशान का तात्पर्य होता है देश के राष्ट्रीय चिन्ह। अब हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से आप लोग जानते हो? जैसे हमारे देश का तिरंगा झंडा हुआ, इसी प्रकार से जैसे हमारे देश का अशोक चक्र हुआ, इसी प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो यहाँ पर देश की मर्यादा का सवाल है, हम गिर जाए, हम मिट जाए, कोई परवाह नहीं, किंतु हम अपने हिंदुस्तान की मर्यादा को, हम अपने हिंदुस्तान की इज्जत को नीचे गिरने नहीं देंगे। इस लाइन का यही अर्थ है कि हम जो है कैसे भी करके अपना सर्वस्व लगाकर, अपना त्याग और बलिदान करके हम अपने देश की मर्यादा की रक्षा करेंगे। हम गिर जाए किंतु ना गिरने देंगे देश निशान। फिर आगे कहते हैं, हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। आगे लाइन में कहते हैं, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान। अब इस चित्र में देखिए कितने मुस्तैदी के साथ, कितने चौकन्ना होकर हमारे देश के जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, हमारे देश की सरहदों पर जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होता कि उसके घर में भी उसके बीबी है, उसके घर में भी उसके बच्चे हैं, उसका भी अपना एक परिवार है। वो अपने परिवार को बाद में, पहले हिंदुस्तान को, पूरे भारत देश को वो अपना एक परिवार मानता है, और यही वो भावना है, यही वो चीज है जिसके कारण वो पूरे निडर होकर, पूरे साहस के साथ भारत की रक्षा करता है। इसी कारण से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस चीज को यहाँ पर लिखा है कि हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। ये सिर्फ भारतीय सेना का ही कार्य है ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपने मन से इस सोच को, इस भावना को निकाल दें, हिंदुस्तान की रक्षा करने का जो दायित्व है, जो जिम्मा है, सिर्फ भारतीय सेना के कंधे पर हो ऐसा नहीं। हम सबको अपने देश की रक्षा करना है, हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाना है, और हम सबसे ही मिलकर हमारा देश बना है। शुरुआत की पंक्ति में आया है कि भारत में अनेक जाति धर्म के लोग, अनेक भाषा बोली के लोग,
रहते हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र भी है, भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र भी है, भारत में वनस्थली क्षेत्र भी है, भारत में मरुस्थली क्षेत्र भी है। तो ये भारत की सांस्कृतिक, भारत की भौगोलिक विशेषता है ना, अनेकता में एकता को दर्शाती है। हम अनेक हैं फिर भी हम एक हैं। फिर आगे जो है कवि कहते हैं कि हम हैं सबसे आगे रहते हैं बाकी की अवसर बात पर बलिदान। जब भी देश के लिए मर मिटने की बात आती है, हमारे देश के जवान जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सेना। हम सबको इस चीज़ का हमेशा जो अपने मन में जो है रखना चाहिए, इस एहसास को हमेशा जिंदा रखना चाहिए कि हमारे देश की जो सेना के जवान हैं, वीर जो सैनिक हैं, अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण से इसमें लिखा है, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, भारतीय सेना जो है अपने प्राणों को अर्पण करने से पीछे नहीं हटते। तो हम क्यों पीछे हटे? हमको तो अपने प्राणों का जो बलिदान नहीं देना है, हमको तो सिर्फ अपने कार्यों को ईमानदारी से करना है। तो ये जो कार्य है, इस कार्य को हमको अच्छे से करना चाहिए, जिससे हमारा देश जो है आगे बढ़े। अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनना। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। वीरत्व का अर्थ होता है वीरता, समर का अर्थ होता है युद्ध, और समर भूमि का अर्थ होता है युद्ध भूमि। गाथाएं, गाथाएं का तात्पर्य होता है कहानियां, और अनगिन का मतलब होता है अनंत, जिसको गिना ना जा सके। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, अर्थात भारत के जो वीर जो सिपाही है, भारत के जो वीर सैनिक है, समर भूमि में जब युद्ध का नाद करते हैं, युद्ध जब घोष करते हैं, तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, शेर की तरह गरजते हैं, और दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे दुश्मन जो है अब जो है युद्ध भूमि में टिक नहीं पाए। इसी कारण से कहा है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथा है भारत के गांव नगर घर गाएंगे। भारत की जो है महिमा, जो भारत की जो प्रशंसा के जो गीत है, कहानियां हैं, भारत के गांवों में भी गाए जाते हैं, भारत के नगर में भी गाए जाएंगे। क्योंकि भारत तब होगा जब यहाँ पर जो है गांव और शहर का एक सुंदर समागम हो। हम सिर्फ शहर से ही भारत की कल्पना नहीं कर सकते, और हम सिर्फ गांव से भारत की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमको सच्चा भारत देखना है, तो हमको गांव और शहर को देखना होगा। शहर का तो हम देखते ही हैं, हमको गांव को भी उसी तरीके से देखना होगा जिस तरीके से हमको देखना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, आप इस चीज को सोच के देखिए, इस चीज को आप कल्पना करके देखिए कि भारत की जो महिमा है, भारत की महिमा की जो गाथाएं हैं, इनकी जो कहानियां हैं, भारत के गांव नगर और हर घर में गाए जाएंगे। अब इनकी महिमा की क्या गाथाएं हैं, इनकी महिमा की जो है क्या बात है जो हमको जो है पता चलना चाहिए, कि यहाँ पर ऐसे अनेक वीर जो है लोग हुए हैं जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान किए। फिर आगे कहते हैं, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जब हम एक साथ एक स्वर में अपनी भारत माता की जो है जय घोष करते हैं, भारत माता के हम जय बोलते हैं, तो यहाँ पर तो अलग अलग जो है प्रांत है, अलग अलग जो क्षेत्र है, और हर क्षेत्रों के जो लोग जो है उसके अंदर जो रचा बसा है, वो है उसके अंदर की भारतीयता। हम अलग है फिर भी हम एक है। हमारी बोली अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है,
लेकिन हम सबसे पहले अगर जो है वो है हम भारतीय। इसी कारण से कवि ने इस पर कहा है कि अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सेना तान। तो हमको इस चीज पर फक्र करते हुए, गर्व करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जो इस पाठ से ही लिया गया है। कविता की जो पंक्ति है उसमें से एक शब्द को गायब कर दिया गया है। आपको, आप सब जो है अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए और आप आंसर बताने के लिए तैयार हो जाइए। आंसर सही हो या गलत आप उसकी परवाह नहीं करना, आप लोग तैयार होना, आंसर बताने की कोशिश करना और आंसर बताना। पहला क्वेश्चन, आपको इस पंक्ति के इस लाइन में जो जो शब्द है, बीच का जो शब्द है उसको गायब किया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। पहला प्रश्न, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल खाली स्थान से हम आए। आप अपना आंसर चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हो। मैदानों पर्वत सागर तट वन मरुस्थल खाली स्थान से हम आए, आंसर बताना चाहते हो? अपने माइक को सर, अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए। मैदानों सर, मैदानों सर, मैदानों सर, मैदानों सर, मैदान। चलिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ, इस पहला जो क्वेश्चन है, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, इसका आंसर होगा मैदानों से। दूसरा प्रश्न में हम आते हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रज कर्ण के खाली स्थान के। लाइन ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कर्ज चुकाने हैं हमको उन रज कर्ण के खाली स्थान के। एहसान तो बोल रहे हो, तन्नू बोल रहे हैं, गायत्री बोल रहे, सुरेश, लेकिन आवाज नहीं आ रहा बेटा। कर्ज एहसान के, ठीक है, इसका मैदान सर। तीसरा में आते हैं, जिसकी पूजा में सदियों से खालिस्तान के फूल चढ़ाए। पूजा से खालिस्तान के फूल, इसमें क्या इसमें इसका सही आंसर होगा श्रम के फूल, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल। क्वेश्चन देखते हैं, हम मिट जाए किंतु मिटने ना देंगे खाली स्थान को। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मिटने ना देंगे, तो इसका आंसर आएगा हिंदुस्तान सर। ईशान हिंदुस्तान सर। फिर आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो मृत विवेक समय हम खाली स्थान दिखलाएंगे। दैनिक सर, जो वीरत्व विवेक दैनिक सर, समर हम सैनिक दिखलाएंगे। ये जो है खालिस्तान था, आप लोग के जो है कविता की जो पंक्ति है उन्हीं से जो लिया गया था। दैनिक आगे कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर आएगा, बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका जन्म इस मिट्टी पर हुआ है, वह भारत की मिट्टी पर पला है, बढ़ा है, इस कारण से भारत की जो मिट्टी की महिमा का गान। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं? आपको तो पता है बहुत सारे चीज करते हैं, है ना? अपनी जान देते हैं ठीक सर। है, अंतिम जो है प्रश्न है, ये आपका गृह कार्य है, इसको आप लोगों को अपने घर में करना है। क्वेश्चन है, क्या आपके आसपास कोई व्यक्ति भारतीय सेना में है? आपके गांव या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय सेना में है, अगर है तो उसके बारे में आपको जानकारी करते हैं।
कौन है, नहीं ऐसा। कहाँ जो है उसकी जो पोस्टिंग है। फिर दूसरा प्रश्न है, आप अपने देश की रक्षा किस तरह कर सकते हैं, अपने विचार लिखिए, अपने सैनिक सैनिक बनकर और अपने कर देश की रक्षा सकते हैं कैसे कर सकते हैं। सर, सैनिक बन के कर सकते हैं। एक सैनिक कार्य है जिसको आपको पूरा करना है। बन ठीक के है, सर आज का जो मोड़ा है हमारा जो क्लास है, वो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो वाला है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर से नए विषय को लेकर अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। मतलब